मौरासा नगर में दीपावली के बाद महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व भारतीय संस्कृति में अनूठी परंपरा अंतर्गत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह अंधेरे में उठकर स्नान करके एकत्रित होकर पुरानी टोकरी एवं आतिशबाजी का कचरा एकत्रित कर आग लगाकर उसमें तापती है। मान्यता है कि एक दिन पूर्व दीपावली पर लक्ष्मी माता के साथ कई आसुरी शक्तियां भी आती है। उन्हें घर की लक्ष्मी ही सुबह सम्मान अग्नि प्रज्वलित कर विदा कर देती है, ताकि घर पर आई लक्ष्मी शुद्ध रूप से मन मस्तिष्क को संचालित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा का पर्व अब भी मनाया जाता है। मवरासा की चौधरी मोहल्ले की वरिष्ठ प्रेमलता बाई चौधरी व रतन चौधरी का कहना है कि इस दिन नववधु बड़े बुजुर्गों के पैर पड़कर आशीर्वाद लेती है, इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्गों के धोक पैर पड़ना लगने से इस पर्व को धोक पड़ना भी कहते हैं। सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलते ही महिलाओं के चेहरे खिल जाते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए यह पर्व दिवाली के एक दिन बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बुरी शक्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। आज भी यह परंपरा कई मान्यता लिए पूरे जोर शोर से मनाई जा रही है। नववधू द्वारा बताया गया कि इस पर्व में सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी परंपरा रहने से एक दूसरे का सम्मान करने का अवसर भी मिल जाता है। महिला शक्ति में शामिल महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा वर्षों वर्ष पुरानी है, जो विरासत में बुजुर्गों द्वारा हमें दी गई है। इस पर्व से सास बहू, ननंद भाभी, देवरानी जेठानी में आपसी प्रेम बनता है। मोहल्ले में रूप चौदस के उपलक्ष्य में हमने सबने सुहाग पड़वा के उपलक्ष्य में हमने सबने टोपला तापाए। मेरा रत्ना चौधरी, टोपला भर के सुहाग मिलता है और टोपला भर के धन्य धान्य मिलता है, उससे भंडारा भरपूर रहता है। प्रेम लता, सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की ये रिपोर्ट।